राजी, इसके अलावा सीक्रेट नंबर भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे जो कि आपकी सफलता का रास्ता और बुलंद करता है। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं दिव्य स्तुति, जिसको सुनने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, आज की महादिव्य स्तुति बहुत खास है। श्री हनुमान जी का आप जब ध्यान करते हैं तो आपके कष्ट कलेश तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ अगर वो वार शनिवार हो तो समझिए कि आप शनि की जो पीड़ा भोग रहे थे वो भी उससे दूर हो जाती है। तो ध्यान करिएगा, आंखें मूंदिएगा श्री राम भक्त हनुमान जी का। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस प्रकार आप इसी स्तुति का ध्यान करिएगा। आंखें मूंदकर जो आपने स्तुति सुनी है इसको आप दोहरा भी सकते हैं, देखेंगे आपके कष्ट कलेश स्वतः ही दूर होने लग जाएंगे। चलिए, पहली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका आकांक्षा, फरीदाबाद से हैं आकांक्षा जी। आकांक्षा, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं जन्म तिथि, जन्म समय और स्थान बताने के साथ। थैंक यू। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे। मेरा नाम आकांक्षा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1994 जी, और औरैया इटावा का जन्म है जी। जन्म का समय बताएं। टाइम है 9:45 शाम का, रात का जी। और मेरे को आचार्य जी ये जानना है कि मेरी कुंडली में सरकारी जॉब का योग है या नहीं, और है तो किस फील्ड के अंदर है, और मेरी शादी कब तक होगी, और शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, और किस फील्ड में होगा मेरा हस्बैंड जो भी होगा जी। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आकांक्षा जी आपके। सिंह लगन का आपका जन्मांक है, आपको जानकारी दे दें, और मकर राशि है। राशि से इस समय अष्टम स्थान के अंदर बृहस्पति राहु की युति, थोड़ा सा आपकी इस समय विवाह के अंदर विलंब रहने वाला है। राहु की महादशा शुक्र की अंतरदशा, सप्तम भाव के अंदर शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं, विवाह के अंदर यहां पर विलंब हो सकता है। लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो विवाह के अंदर आने वाले विलंब को काफी हद तक दूर कर दे, इसके निमित्त आपको शुक्ल पक्ष के वीरवार का व्रत करना होगा, और साथ ही साथ अपने मस्तक पर केसर का तिलक करिएगा, और हो सके तो 700 ग्राम चने की दाल किसी मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद इंसान को आप दान करिएगा। करके देखिएगा, लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। चलिए, तो आपकी समस्या का हल हमने आपको दे दिया है, और ये भी जान लेते हैं अब आचार्य जी से। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है बहुएं जब नई नई घर में आती हैं तो मनमानी करती हैं, बातें नहीं मानती हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन समस्याएं हैं सासों की जी। तो इसके लिए क्या उपाय करें, क्या निदान करें जिससे सब कुछ अच्छा चले? बिल्कुल, देखिये सलोनी जी, हर जो बहू जो घर के अंदर आती है शादी करके, पहले तो वो बिटिया होती है अपने माँ बाप की, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है तो वो किसी घर की बहू बन जाती है। हम ये कहेंगे कि उन सास के लिए जो उनकी मदर इन लॉ है कि उसको आप अपनी बिटिया ही मानिएगा, उसमें किसी तरह का आप भेदभाव बिल्कुल ना करिएगा। फिर यदि कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके निमित्त हम आपको उपाय देने ही वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि यदि बहू का जन्मांक में इस तरह के योग बन जाए तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है, तो क्या ऐसे योग हैं ये जानिए आप। कुंडली के दशम भाव में, जो आप कुंडली का दशम भाव यानी कि सप्तम भाव आपके हस्बैंड का, वहां से चतुर्थ उनकी माता का, तो यानी दशम भाव के अंदर यदि राहु शनि और मंगल पापी ग्रह विद्यमान हो जाए और दशमेश दशम भाव का स्वामी नीच का हो जाए तो हर बात पर आपकी सास के साथ कलह कलेश हो ही जाती है। देखिए, यहां कई बार देखा गया है सप्तम से सप्तम भी कई बार पीड़ित रहता है, और इस तरह की कोई समस्या आपको ना देखने के लिए मिले, परिवार हमेशा एकजुट रहे, ऐसे में शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन आपको तिल के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में आपको जलाना है और वहां पर 7 प्रदक्षिणा करनी है। साथ ही साथ तिल में बूरा मिलाकर आपको काली चींटियों को डालना है। इस तरीके का आप उपाय करिएगा, देखिएगा कैसे आप लाभान्वित होंगी और आपके परिवार की वैमनस्यता कलह कलेश जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी। चलिए, तो ये उपाय हमने आपको बता दिया, ये उपाय करिए, और निश्चित तौर पर अगर बहू से आप परेशान हैं कि वो मनमानी कर रही है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है लकी कॉलर से बात करने का, तो मिलाते हैं उनको फोन। और लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका, कैसे लग रहा है आपको और कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना है और मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। कैसा लग रहा है रंजना लकी कॉलर बनके? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत समय से मैं मेल कर रही थी और मेल एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी, और आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए रंजना, बहुत स्वागत है आपका, आप लखनऊ से बोल रही हैं, आपने बताया जैसा कि आप अपना प्रश्न पूछें जन्म तिथि जन्म समय और स्थान के साथ।
मेरा जन्म हुआ है नागौर में, सतना, सतना में नागौर डिस्ट्रिक्ट है, और टाइमिंग है सुबह 4 बजे की। जी पहले आप जन्म की तारीख बताएं। आज 24 फरवरी 1992। समय 4 बजे सुबह इन्होंने बताया जी, जन्म है। का स्थान बताएं। सतना में नागौर। क्या प्रश्न है आपका? किस लाइन में मेरी जॉब लगेगी? जी देखिए मात्र आपका रंजना जी एक प्रश्न, उसका जवाब दे देते हैं। धनु लग्न का आपका जन्मांक बन जाता है दशमेश बुध, यहां पर बुध आदित्य राजयोग बना रहा है वो भी त्रिक भाव के अंदर, लेकिन शनि यहां पर नीच का पंचम भाव के अंदर कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को बाधित कर सकता है। राहु की महादशा बुध की ही यानी दशमेश की अंतरदशा, टीचिंग लाइन की तरफ आप जाइएगा, भविष्य आपका काफी उज्जवल रहेगा और हो सके तो 5.25 से 6.25 रत्ती तक का आप एक पन्ना रत्न धारण करिएगा। यदि आप ये नहीं धारण करती हैं तो 1.25 मीटर हरा धागा लीजिएगा और उस पर 6 गांठ आप लगाइएगा और गणेश जी के चरणों में रखाइएगा, लाभ आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। चलिए तो बात हो गई लकी कॉलर से। अब आपको बता दें दर्शकों कि 3 बजे एक विशेष शो हम लेकर आ रहे हैं तारे सितारे, जिसमें आपके तारों से जुड़ी जानकारी मिलेगी। अगर आपको तारों से जुड़ी हुई कोई परेशानियां हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कल आजकल के ठीक बाद देखना न भूलें तारे सितारे। तो चलिए अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम जानकारी ले रहे थे कि सास बहू में अगर तनातनी है या घर का माहौल खराब हो रहा है तो उससे किस तरह से निपटना है, क्या उपाय करना है। अब ये तो हमने जान लिया कि बहू मनमानी करती है तो क्या करना है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है आचार्य जी, सासें अड़ जाती हैं, अपना गुस्सा दिखाती हैं, अपना रौब दिखाती हैं, तो कैसे उससे निकलें, क्या उपाय उसके लिए करें? बिल्कुल सलोनी जी, देखिए सास का एक अपना अलग रौब होता ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो सास है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनका जन्मांक भी कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। पंचम से सप्तम अर्थात एकादश भाव, वहां पर राहु केतु यदि उसके अक्ष पर आ जाएं, यानी राहु पंचम में और एकादश में केतु हो, या फिर केतु पंचम में और राहु एकादश में हो, तो ऐसा हो जाता है। यहां पर राहु मंगल का यदि अंगारक योग बन जाए, बहू यदि कोई भी बात कहेगी तो सास बिल्कुल भी यहां पर सहमत नहीं होने वाली है, लेकिन इस उपाय को आप करिएगा, सास आप बिल्कुल सहमत हो जाएंगी। ऐसे में क्या करना है, 5 हरी दुर्वा की पत्ती सिंदूर के साथ श्री गणेश जी के चरणों में आपको अर्पण करना है और निर्धन लोगों को आपको दवा वस्त्र और भोजन का दान करना है। ये बिल्कुल शुद्ध भावना से करिएगा, देखिएगा गणेश जी का चमत्कार, आपके परिवार की कलह कलेश बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। चलिए बहुत ही आसान सा उपाय है, कुछ ज्यादा आपको इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, तो उम्मीद करते हैं ये उपाय आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और फर्क महसूस करेंगे, और फर्क महसूस करने के बाद हमें मेल करके बताना मत भूलिएगा। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है नागपुर से, बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? उमर मैम जी नमस्कार। आपको भी नमस्कार, आचार्य जी नमस्कार, श्री राधे, श्री राधे प्रणाम। आचार्य जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी उनकी जन्मतिथि है 7 सितंबर 1981। जी जन्म का जन्म तारीख दोबारा से बताएं। 7 सितंबर 1981 जन्म का समय, जन्म समय है रात्रि 12:15 और जन्म स्थल है जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र, आप अपना प्रश्न पूछें। जी 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 आचार्य जी मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई बिजनेस करना चाहता है तो किस क्षेत्र में बिजनेस डाले हो, और आचार्य जी मैं पूछना चाहती हूँ उसके वैवाहिक जीवन से बहुत अड़चने आ रही है, उनकी जो पत्नी है वो अपनी मनमानी बहुत करती है और उसके साथ बनता नहीं है उसका। जी बिल्कुल, देखिए वृषभ लगन का यहाँ पर जन्मांक है। आचार्य एक मिनट, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो अभी छोड़ के भी चली गई है तो क्या वो वापस आएगी, या फिर उसके कुंडली में दूसरे शादी का योग है और उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए आप द्वितीय विवाह के बारे में ना सोचें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना रहे, नकारात्मक विचार अपने दिमाग से निकाल दें, लेकिन आपको बता दें इस समय वृश्चिक राशि पर शनि और मंगल की युति है, इनके सप्तम भाव में वो युति इस समय गोचर कर रही है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के अंदर जो मधुरता थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई होगी और कटुता वैमनस्यता बिल्कुल फैल गई होगी। शुक्र की महादशा बुध की अंतरदशा, बिल्कुल ये शनि से संबंधित किसी भी हार्डवेयर से संबंधित ये वर्क कर सकते हैं, इनको जो है सफलता मिलेगी, लेकिन इनकी पत्नी भी वापस आएंगी,
थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा इस अगस्त 2016 के बाद। इसके निमित्त आप कहिएगा अपने बेटे से कि हनुमान मंदिर जाया करें और वहां पर सुंदरकांड का पाठ अगर ये कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो इसके अभाव में आप अपने घर पर किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाइएगा, सुंदरकांड का पाठ कराइएगा और हो सके तो शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन बालकों को पीला मीठा भोजन घर का बना हुआ आप वितरण करना शुरू करिएगा। लाभ बहुत जल्दी दिखाई दे तो आप कुछ ना कुछ सामग्री जरूरतमंद लोगों में दान अवश्य करिएगा। चलिए तो ये हो गई बात इनकी समस्या हल करने की, लेकिन यहाँ पर अब वक्त हो गया है छोटा सा ब्रेक लेने का। लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे क्या आपके लिए खास लाने वाले हैं हम। अगर आप सफलता चाहते हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का खेल ऐसा बन रहा है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या इसके पीछे आपके ग्रह हैं, इस पर सारी जानकारी देंगे कल सुबह 8 बजे। देखिए एक झलक, हम लौटते हैं जल्द। कानको अरिगातो। नई बोली सीख कर नई तकदीर बनाने चले हैं। खुशियों का तरह वदशिका नई शिमशो खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। सोने जैसा परख कर मिट्टी का मोल बढ़ाने चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। नई मंजिलों को छूने जेब में दुकान लिए चले हैं। खूबियों में कर खूबी बढ़ाने चले हैं। अब सेल्फ स्टार्ट के साथ नई सीडी डिलक्स, खूबियों में एक और खूबी। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने परिवार को जोड़कर रख सकते हैं। हमने आपको ये भी बता दिया कि जब बहुएं मनमानी करें तो क्या उपाय करना है, अगर सास का अड़ियर रवैया है तो भी क्या उपाय करना है। थोड़ी देर में ये भी बताएंगे कि घर वालों को कैसे जोड़ के रखना है, लेकिन उससे पहले आ गया है वक्त आपको सीक्रेट नंबर देने का, तो ले लीजिए अपने मूलांक के अनुसार अपना सीक्रेट नंबर। बिल्कुल, आज का सीक्रेट नंबर मित्रों बहुत खास रहेगा। सास के साथ कुछ परेशानी चल रही है या बहू के साथ कुछ परेशानी चल रही है तो अपने सीक्रेट नंबर को बहुत संभाल के रखिएगा। आज विधि बिल्कुल डिफरेंट रहेगी इसको लिखने की। शुरुआत करेंगे मूलांक एक से। मूलांक एक वालों का सीक्रेट नंबर रहेगा 2 और मूलांक 2 का सीक्रेट नंबर रहेगा 43। मूलांक 3 वाले नोट करें 39 नंबर को, यानी 39 नंबर है उनका सीक्रेट नंबर। और मूलांक 4 वाले नोट करें 13 नंबर को। मूलांक 5 नोट करें 9 नंबर को। और मूलांक 6 नोट करेंगे आज 15 नंबर को। मूलांक 7 की बारी आ चुकी है 34, 34 नंबर है सीक्रेट नंबर। और मूलांक 8 वाले लिखें 26 नंबर को। मूलांक 9 आखिरी मूलांक है, 108 नंबर रहेगा आपका बहुत खास सीक्रेट नंबर। आज विधि क्या रहेगी ये जानिए। यदि सास और बहू ये प्रोग्राम देख रही हैं वो भी, इनको भी लिखना है, लेकिन लिखना कैसे है। यदि सास और बहू दोनों ही ये प्रोग्राम देख रही हो तो उनको एक आग का पत्ता लेना है, और या फिर ये इसके अभाव में ये पीपल का पत्ता भी ले सकती हैं और उस पर लाल चंदन या सफेद चंदन के द्वारा अपना सीक्रेट नंबर लिखिएगा। सभी लोग ये कर सकते हैं, शनिवार की तिथि है और अष्टमी तिथि है। इसको फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखिएगा, भरपूर फायदा उठाइएगा मित्रों, क्योंकि इससे आपके भाग्य में 4 चांद लगेंगे।
चलिए तो अब आपका सीक्रेट नंबर भी हमने आपको बता दिया और अब जो जिसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सभी लोग कि कहीं ना कहीं घर परिवार में खुशी बनी रहे। कई बार ऐसा होता है जी, बहू और सास नहीं बनती, पूरा घर का माहौल खराब हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि यही दोनों घर को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। तो ऐसे माहौल में कैसे घर के माहौल को ठीक करें, क्या कुछ करें उपाय? जी देखिए सलोनी जी, बहुत साधारण सा उपाय है लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल चमत्कारिक आएगा। करना क्या है आपको, यदि सास बहू की बिल्कुल नहीं बन पा रही है और यदि परिवार बिल्कुल टूटने लगा है, तो आपको अपने घर की जो सफाई है वो शनिवार के दिन जरूर करनी है। हमेशा आप हर शनिवार अपने घर की सफाई के लिए चयन कर लीजिएगा इस दिन का। आपने शनिवार के दिन सफाई अवश्य करनी है घर में, और कम से कम महीने में एक बार घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करवाइएगा। यदि आप ये ना खुद कर पाएं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा आप इसे करवा सकती हैं, और हो सके इस उपाय को भी आप बिल्कुल करके देखिएगा। दो केले के छोटे छोटे पौधे लीजिएगा और किसी मंदिर में आप वीरवार के दिन लगा दीजिएगा। हर तरह का आपको लाभ मिलेगा, परिवार की कलह कलेश बिल्कुल दूर हो जाएगी और ठाकुर जी की कृपा अवश्य होगी। चलिए तो बहुत ही आसान सा उपाय है, ऐसा कुछ था भी नहीं मुश्किल जो ना कर पाए आप, क्योंकि बहुत ही आसान उपाय हम आपको बताते हैं जो वाकई आप कर पाए, तो अब उसका असर आपके जीवन में आएगा, निश्चित तौर पर आप फर्क महसूस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं महिलाओं का, जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है उसकी, आपसे है हम में आपकी सुरक्षा की। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। बिल्कुल जैसा कि हमने आपको बताया था, आपसे हैं हम में माताओं बहनों के लिए हम आज सुरक्षा का वो सटीक आपको उपाय देने वाले हैं कि आप महसूस करने लगेंगी कि आप पहले से अधिक सुरक्षित हो चुकी हैं। तो इस उपाय को नोट करिएगा। 7 पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं आज ही के दिन, और सरसे 7 बार आप इसे उल्टा वार के घर से बाहर फेंक दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय है, इसमें कुछ आपका लगने वाला नहीं है, श्रद्धा भाव से करिएगा, लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि आप श्रद्धा भाव से कोई भी चीज करें, क्योंकि आप अगर श्रद्धा नहीं दिखाएंगे तो उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। तो विश्वास रखिए कि अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं, तो उसका फर्क आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखता ही दिखता है। आज हमने जाना कि किस तरह से एक खुशी का माहौल घर में बन सकता है और किस तरह से बहुएं और सासों की अगर आपस में ठनी हुई है तो कैसे वो जो एक दूरी है उसे कम करना है, परिवार के माहौल को ठीक करना है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही बहुत ही जरूरी रहता है, क्यों आचार्य जी ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए सलोनी जी, ऐसा हो भी जाता है कि कई बार आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी जो है आपके ऊपर वो गलती थोप दी जाती है। तो बिल्कुल आज सास और बहू का जो कलह कलेश थी, वैमनस्यता थी, बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस उपाय को करिएगा मित्रों, फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल 2:30 PM @liveindia.tv पर। चलिए मंजू अब हमारे साथ जुड़ गई हैं, अगली कॉलर पालमपुर से, बहुत स्वागत है आपका मंजू, आप अपना प्रश्न पूछें, जन्म तिथि जन्म समय और स्थान बताएं। मैडम मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी, उसकी शादी कब तक होगी और उसकी नौकरी सरकारी लगेगी या उसके 23/6/1991 23/6 जन्म समय 11:49 49 मिनट दोपहर के, और जन्म स्थान? जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा नहर पुकर जी। चलिए संपर्क टूट गया है आचार्य जी, जो कुछ आपको पता लगा हो। देखिए इन्होंने कांगड़ा का हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे कि जन्म स्थान बताया, सिंह लग्न का यहाँ जन्मांक बन गया, शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा, इस समय थोड़ा सा योग जो है इस समय बहुत नहीं बन पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि विवाह में आने वाले समय के अंदर कोई विघ्न बाधा परेशानी नहीं आने वाली है। बिल्कुल आप हमें सुन रही होंगे, निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि सप्तमेश यहां पर बहुत ही बली अवस्था के अंदर है। देखिए आप एक मंदिर में जाइएगा, घर से थोड़ा सा भोजन बना के लेके जाइएगा, वहां पर भगवान को भोग लगाइएगा और किसी जरूरतमंद इंसान को आप दान करिएगा। हो सके तो 2 केले के छोटे छोटे पौधे इनके हाथ से शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन कम से कम 7 मंदिरों में लगवाइएगा। ऐसा आप 7 वीरवार लगातार करिएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको पैसे नहीं खर्चने होंगे, लेकिन श्रद्धा भाव बहुत रखिएगा, विवाह में आने वाला विघ्न बिल्कुल दूर हो जाएगा।
चलिए तो अब विघ्न दूर करा दिया है, आचार्य जी ने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आप और किसी तरह की समस्या से परेशान हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके तारे इसके लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए एक विशेष शो हम आपके लिए लेकर आए हैं दोपहर 3 बजे तारे सितारे। तो चलिए दोपहर 3 बजे कहीं मत जाइएगा, देखिएगा जरूर तारे सितारे। इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय दिल्ली से, बहुत स्वागत है आपका जय। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जन्म तिथि जन्म समय स्थान बताएं। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार श्री राधे भैया। हाँ श्री राधे राधे गुरु जी। गुरु जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जन्म की तारीख बताएं भैया। मेरी डेट ऑफ बर्थ सर पता नहीं है, मैं अपने बच्चे के बारे में पता लग सकता है जी? आप प्रश्न पूछे हमसे। मैं अपना कोई दुकान करना चाह रहा हूँ पंडित जी, तो उसके लिए बताइए मैं किस चीज की दुकान करूं और कब से इसका शुरुआत हो सकती है, किस दिशा में किस साइड में, मतलब इसके बारे में बताइए कुछ, कौन सी दुकान चलेगी मेरी? भैया देखिए यहाँ पर दुकान आपके खोलने का जो आपने प्रश्न पूछा है, बता दें आपको यहाँ पर सप्तमेश जो है व्यापार से संबंधित जो देखा जाता है अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र के सूर्य और बुध के साथ अस्त है। अभी आप अपने व्यापार को बिल्कुल ना खोलिएगा, हो सके तो कहीं जॉब कर लीजिएगा। अगस्त 2017 के बाद ऐसा योग बनता है कि आपका ये व्यापार जिससे संबंधित आप खोलना चाहेंगे वो चलेगा। आप किराना से संबंधित या फिर कुछ लेखन सामग्री से संबंधित आप व्यापार करिएगा, लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। चलिए तो अब हम लोग मेल ले लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कॉल्स नहीं मिलते हैं, तो तमाम दर्शकों के जो मेल आते हैं उनमें से एक का मेल मैं ले रही हूँ। मयंक टाक नाम है इनका जी। इनका जन्म दिन है 17 फरवरी 1985। जन्म का समय बताएं? 1:25 रात का है और स्थान है राजस्थान लाडनू। इनका कहना है कि इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है क्या, अगर है तो किस सेक्टर में ज्यादा फायदेमंद होगा, ये इनका प्रश्न है। करियर से जुड़ी जानकारी चाहते हैं जी। बिल्कुल देखिए बता देते हैं इनको कि वृश्चिक लग्न का इनका जन्मांक है, सूर्य बिल्कुल दशम भाव से अपना संबंध सीधा सीधा बना रहे हैं, सूर्य की महादशा और शुक्र की अंतरदशा इस समय बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए इसके निमित्त आपको सूर्यास्तक का पाठ करना है, हो सके तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करिएगा, लाल आसन पर खड़े हो जाइएगा और एक तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ भी दीजिएगा, देखिएगा बहुत जल्दी लाभ दिखाई देगा। तो काफी सारी जानकारियां आज आपको मिली, किस तरह से आपको अपने घर को खुशहाल रखना है, सास बहू की जो दूरियां हैं, जो रिश्ते में थोड़ा क्लेश आ गया है उसे कैसे दूर करना है, तमाम जानकारियां देने के लिए आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राधे धन्यवाद जी। तो अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको कल 2:30 क्या खास लेके आ रहे हैं ये जरूर हम बता देते हैं। 2:30 कल हम आपके लिए ला रहे हैं कि अगर आपके पतिदेव मजबूरी में आपसे दूर रहते हैं, आप पूरे हफ्ते भर उनका इंतजार करती हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, ग्रहों का कुछ ऐसा खेल होता है कि आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, जिस इंतजार के लिए आप एक हफ्ता बिताती हैं वो इंतजार लंबा होता चला जा रहा है, तो ग्रहों से किस तरह से उपाय करना है, किस तरह से एक जो वक्त की कमी है उसे पूरा करना है, इसके बारे में विशेष जानकारी हम आपको देंगे। आप देखिए एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।